नमस्कार, नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी शर्मा आपके साथ। आज मैं फिर लेकर आई हूं एक और विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण और साथ में वहां के प्रत्याशियों के राजनीतिक कुल। आज बात करेंगे बाड़े विधानसभा सीट के बारे में। यहां से कांग्रेस ने बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए प्रशांत सिंह परमार को मैदान में उतारा है और बीजेपी ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए गिरिराज सिंह मलिंगा पर दाव खेला है। यहाँ के 2018 के चुनाव पर अगर नजर डालें तो 2018 में कांग्रेस के गिरिराज सिंह मलिंगा और बीजेपी के जसवंत सिंह और बहुजन समाज पार्टी के रहमत के बीच कड़ा मुकाबला रहा। गिरिराज सिंह ने 69,712 वोट हासिल किए तो बीजेपी के जसवंत के खाते में 60,029 वोट आए तो बसपा के रहमत ने 36,798 वोट हासिल किए। कांग्रेस के गिरिराज सिंह ने बीजेपी के जसवंत सिंह को 19,683 मतों के अंतर से हराकर चुनाव में जीत हासिल की थी। बाड़ी सीट के राजनीतिक इतिहास पर गौर करें तो यहां पर कांग्रेस का ही खासा दबदबा रहा है। अब तक हुए चुनाव में यहां 10 बार कांग्रेस को जीत मिली तो एक एक बार बीजेपी और बीएसपी के खाते में जीत गई, तो वहीं 3 बार निर्दलीय उम्मीदवारों ने यहाँ से जीत हासिल की। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के जातिगत समीकरण की, तो बाड़ी पर कांग्रेस का ही खासा दबदबा माना जाता है। यहाँ कुल वोटर्स की बात की जाए तो यहाँ पर 2,21,000 के आसपास वोटर्स हैं, जिनमें 1,18,898 पुरुष और 1,02,408 महिला मतदाता है। बाड़ी विधानसभा सीट पर कुशवाहा जाति के मतदाता सबसे अधिक संख्या में है। इसके अलावा यहाँ पर गुजर, जाटव, ठाकुर, ब्राह्मण और अन्य समाज के भी मतदाता है। अब बात करें कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार की, तो वो राजनीतिक में कुछ वर्षों से ही सक्रिय हैं। वे सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेते हैं। आपको बता दें कि प्रशांत सिंह परमार 5 नवंबर को ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। अब बात करें बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा के बारे में, तो वे भी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें 2008 में इन्होंने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। उसके बाद 2013 और 18 उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। उसके बाद हाल ही में गिरिराज सिंह ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। इस बार बाड़े विधानसभा सीट का चुनाव काफी दिलचस्प होगा। इस बार बाड़े विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये तो जनता ही तय करेगी। आज बात की बाड़े विधानसभा सीट की, अगली बार फिर मिलूंगी और एक और विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण से आपको रूबरू करवाऊंगी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।